हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला मुझे जाना है, अकेला मैं कर्म का बंधन करता हूँ, अकेले को मुझे भोगना है, तो मैं पाप कर्म का बंध जितना संभव हो सके टालू, न हो पाप कर्म का बंध, कम से कम मोटे पाप तो न करूं, छोटे तो ठीक है गृहस्थ हो जाते हैं, मोटे पाप तो न करूं, किसी की वस्तु को हड़प लेना, चोरी कर लेना, किसी ने विश्वास के साथ आपके पास रुपये रखे हैं, किसी ने विश्वास के साथ अपने कीमती आभूषण आपके घर में रखे हैं विश्वास के साथ, और अगर आप कभी विश्वासघात कर दें, मुकर जाए कि नहीं नहीं कब तुमने हमको पैसे दिए थे, कब तुमने गहने रखे थे, कभी नहीं रखे न कभी पैसे दिए, सारी चीज मानो खा गए हड़प ली, ये एक बड़ा पाप हो गया कि दूसरे की चीज गहने थे, एक रुपये थे, एक राशि रखी थी आपके पास विश्वास के साथ रखी थी, और विश्वास की आपने हत्या कर दी, घात कर दी, वो सामग्री वो धनराशि वापिस उसको दी नहीं और हड़प ली, तो देखिए ये पाप हो गया। तो ये पाप भोगना पड़ेगा तो किसको भोगना पड़ेगा, तब कौन आड़ा आएगा, जिन परिवार के लोगों को आप वो सामग्री दे रहे हो, मान लो पाप जितना आपने किया उस उतने का फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा, ये मान करके चले। तो आप ये सोचें, हम सभी सोचें कि मेरे से ऐसा पाप क्यों हो जिसका बड़ा कठोर फल मुझे भोगना पड़ सकता है।